पचखरी यह तुलसी आश्रम नोनार अमला रोड पर 6 महीना से पुलिया क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे बढ़िया सा बोर्ड लगा के PWD विभाग ने इसको रोक दिया है। कल यहाँ पर मैंने देखा, बोला, अधिकारियों को बुलाया था, जेई आए थे, SDO आए थे, PWD के तहसीलदार आए थे, SO और चौकी इंचार्ज सब लोग आए थे, और यही बात हुई थी कि आज 11 बजे यहाँ पर शुरुआत होगा यह कार्यक्रम का, यह डायवर्सन बनाने का। लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी आए नहीं है, और मैं जब अभी XCN से बात किया तो XCN साहब कह रहे हैं, विधायक जी, वो JCB से काम नहीं होगा, ये काम होगा, चैन पोकली लगेगी, और एक पोकलैन नहीं मिल रहा है, आज ढूंढ लेंगे, कल लेके आएंगे, और पाइप भी कल गिरेगा, कल 12-1 बजे से कार्यक्रम चालू होगा। गांव के प्रधान जी हैं, और यहाँ पे और भी प्रधान सब हैं, गांव के लोग हैं, प्रधान जी का नमुआ बोल दें, प्रधान जी का नमुआ बोल दें, इन्हीं लोग का नाम प्रेम आशीष जी, प्रधान जी के हाथों से यह संकल्प लिया जा रहा है, इनके साथ मैं भी यह संकल्प ले रहा हूं कि कल ये लोग कार्यक्रम अगर आधिकारिक तौर पर हो सकता है, मुझे उड़ती खबर आई है कि प्रशासन के लोगों के ऊपर दबाव है, अधिकारियों के ऊपर दबाव है, अगर वो दबाव होगा, कल अगर चालू नहीं कराएंगे तो मैं परसों स्वयं हम लोग पूरे लोग संकल्पित होकर यहाँ पर श्रमदान करके पाइप मंगाने का काम मैं करूँगा, और श्रमदान के लिए तैयार है ना सब लोग, श्रमदान होगी ना, तो श्रमदान देकर यह बनाने का हम लोग काम करेंगे पुलिया को, इसलिए करेंगे कि अब बहुत जरूरी है, 50 गांवों का आवागमन बाधित है, और बाधित होने के कारण लोग परेशान हैं, या अब सर के ऊपर पानी चला गया है, अब हम लोग पूजा करके यह संकल्प ले रहे हैं कि अगर कल सरकारी काम से होगा ढंग से तो ठीक है, नहीं तो परसों 11-12 बजे से हम लोग श्रमदान करके इस रोड को चालू कराने का काम करेंगे। पचखरी में क्या मामला था, आप श्रमदान कर रहे थे और अस्थायी पुल का निर्माण हो रहा है, क्या मामला? भारतीय जनता पार्टी में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, और 6 महीना से पुलिया बंद है, और 50 गांव को जाने का रास्ता है पचखरी गांव में, यह मेन रोड है, और अभी सुन रहा हूँ कि वो नेशनल घोषित होने जा रही है, स्टेट हाईवे है वो, और स्टेट हाईवे पर 6 महीना से पुलिया बंद है, और ये सरकार उस पर बोर्ड लगा दी है, और बोर्ड लगा के शांति से सो गई है। 2 दिन पहले मैं गया था वहाँ पे, कहा कि यहाँ पे अगर नहीं पुलिया बनने के औकात है, क्योंकि इस समय गरीबी रेखा के नीचे सरकार चल रही है, तो मैंने कहा अगर नहीं है अगर पैसा तो डायवर्सन बना दो, कम से कम लोगों को आने जाने के लिए हो जाए, तो उस पर कबूल हुआ कि आज सुबह 1 बजे हम लोग आएंगे और डायवर्सन का काम शुरू करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कौन बहादुर ऐसा है जो इतना फोन कर दिया कि XCN बेचारा डर गया और डर के अपना मोबाइल बंद कर लिया। तब हम लोगों ने 10 गांव के किसान के साथ में वहाँ पे पूजा किए, श्रमदान किया और काम शुरू कर दिया आज शिलान्यास करके। और उसके बाद शाम को फोन आया था कि विधायक जी गाड़ी नहीं मिल पाई उसके करने के लिए, परसों काम, हम कल काम लगाएंगे। मैं कह दिया अगर आप कल लगाओ या मत लगाओ, परसों दिन हम लोग जाएंगे वहाँ काम लगा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर काम नहीं लगेगा तो परसों दिन हम पूरे किसानों के साथ वहाँ जाएंगे और श्रमदान से उस रास्ते को चालू करने का काम करेंगे।